सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता हुआ चैनल द करेंसी पीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल करेंसी की दुनिया द करेंसी पीडिया पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले 550 रुपए के नए सिक्के के बारे में। तो आपका ज्यादा वक्त लेते हुए आइए शुरू करते हैं। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव पर जारी होगा 550 रुपए का सिक्का। सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव के 550वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में भारत सरकार 550 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेगी। देश में 550 रुपए का यह पहला सिक्का होगा। कोलकाता टकसाल में बने इस सिक्के का वजन 35 ग्राम है, जिसमें 50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकल और 5% जस्ता होगा। सिक्कों का संग्रह करने वालों के लिए यह बहुत ही सुनहरा मौका है। यदि आप सिख धर्म से जुड़े हुए किसी सिक्के को इकट्ठा करना चाहते हैं तो आपके लिए यह 550 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। 12 नवंबर को गुरु नानक जयंती पर जारी होने वाले इस खास सिक्के के एक तरफ पंजाब स्थित गुरुद्वारा श्री बेर साहिब सुल्तानपुर लोधी का चित्र होगा। इसके ऊपरी भाग पर देवनागरी में और नीचे अंग्रेजी में गुरु नानक देव का 550वां प्रकाश पर्व लिखा होगा। तो दूसरी तरफ अशोक स्तंभ के नीचे रुपए के चिन्ह के साथ 550 रुपए अंकों में लिखा होगा। यह सिक्का कभी प्रचलन में नहीं आएगा, यह स्मारक सिक्का है। तो यदि आप इसको कलेक्ट करना चाहते हैं तो जैसे ही SPMICL की साइट पे इसकी बुकिंग चालू होगी हम आपको अवश्य सूचित करेंगे, लेकिन आप भी समय समय पर इस साइट पर जाकर चेक करते रहें। जैसे ही इस सिक्के की बुकिंग ओपन हो आप इस सिक्के को बुक करवा सकते हैं। तो देखा दोस्तों, ये थी जानकारी गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर जारी होने वाले नए सिक्के की। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं मैं कि गुरु नानक देव की जयंती पूरे विश्व में बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है और पाकिस्तान सरकार ने भी इस उपलक्ष्य में एक 50 रुपए का सिक्का जारी किया है। और जितने लोग भी पाकिस्तान की यात्रा पर गए हैं करतारपुर कॉरिडोर के ओपनिंग के बाद, उन सभी को यह सिक्का पाकिस्तान गवर्नमेंट द्वारा गिफ्ट स्वरूप दिया जाएगा, ऐसा मैंने सुना है। पर जब मेरे दोस्त लोग जो गए हैं वो आ जाए उसके बाद मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में गिफ्ट मिला या नहीं मिला या उन्होंने पैसे देके खरीदा, जो भी है वो आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। और जैसे ही वो सिक्का मेरे हाथ में आता है तो हम पाकिस्तान वाले 50 रुपए के सिक्के को भी रिव्यू करेंगे और आपको उस पाकिस्तानी सिक्के को भी करीब से जानने का मौका देंगे। नेपाल सेंट्रल बैंक ने भी गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में सिख प्रतीक वाले 3 सिक्के जारी किए। यह सिक्के 100, 1000 और 2500 नेपाली रुपए के हैं। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर चिरंजीवी नेपाल और भारतीय राजदूत मंजीव सिंह पुरी ने सिक्के लॉन्च किए। कार्यक्रम में मंजीव सिंह ने कहा, सिखों और गुरु नानक देव को मानने वालों के लिए यह गर्व का दिन है। सिख समुदाय के लोग दुनिया के हर कोने में बड़ी संख्या में रहते हैं। 100, 1000 और 2500 नेपाली रुपए के ये सिक्के 30 सितंबर से बाजार में आ गए हैं, लेकिन अभी तक ये मेरे हाथ में नहीं आए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ नेपाल से भी सिक्के मंगाने की। जैसे ही नेपाली सिक्के हमारे हाथ में आएंगे हम इनका रिव्यू भी आपके सामने करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए रोचक अद्भुत ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। और हाँ, अगला वीडियो हमारा आ रहा है #AskTCP। लगभग 3 हफ्ते हो गए हमने #AskTCP नहीं दिया है, लेकिन त्यौहार वगैरह की वजह से हम नहीं दे पाए थे, पर अब कंटिन्यू आपके पास #AskTCP के वीडियो आएंगे। और यह वाला जो #AskTCP का वीडियो आएगा, इस वीडियो में जितने भी पुराने बचे हुए सवाल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। और यदि आपका सवाल उस वीडियो में कवर हो जाएगा तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन यदि आपका सवाल उस वीडियो में कवर नहीं हो पाए तो आप फिर से उस सवाल को लिखना, क्योंकि हम अब पुराने बचे हुए सवालों को अपने लाटे सिस्टम में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि पुराने सवाल बहुत सारे डे हो गए हैं, इस वजह से नए सवालों का नंबर भी नहीं आ पाता है। तो हम अब अगले वीडियो के बाद जो अगला वीडियो आएगा उस वीडियो में दीपावली के बाद जिसने सवाल पूछा है सिर्फ वही सवाल शामिल करेंगे। तो यदि आपके मन में भी कोई नया सवाल, तो सबसे पहले तो आप हमारे सारे वीडियो देख लीजिए और उसके बाद में आपको आपके सवाल का जवाब ना मिल पाए तो हमें लिख भेजिए आपका सवाल, और साथ में आपके शहर का नाम और आपका नाम भी जरूर लिखा दीजिए। क्योंकि कई बार क्या मेल आईडी तो आप किसी भी नाम से बना लेते हैं, हनी से नाम से बना लेते हैं कुछ, तो मुझे आपसे बात करनी होती है, फोन लगाता हूँ मैं तो किस नाम से आपको पुकारूं, तो इस वजह से आप आपका नाम और आपके शहर का नाम अवश्य लिख भेजिएगा।
जिन व्यक्तियों का नाम और उनके शहर का नाम लिखा होगा सवाल में और साथ में #AskTCP भी लिखा होगा, सिर्फ वही सवाल हम शामिल करेंगे हमारे लाटे सिस्टम में। और उस लाटे सिस्टम में जो सवाल निकल कर आएंगे सिर्फ उन्हीं सवालों का हम जवाब देंगे। और उसके बाद में यदि आपका सवाल रह जाता है तो आप दोबारा से आप अपना सवाल लिख के भेजिए, हम उसी सवाल को फिर से लाटे सिस्टम में शामिल करेंगे। लेकिन जब भी आप सवाल लिखें तो कृपया ये देख लें कि आपने सवाल पूरा लिखा हो, उसमें #AskTCP भी लगाया हो, आपका नाम लिखा हो, आपके शहर का नाम लिखा हो, और वो सवाल में आप विस्तार से लिखें कि आप किस सिक्के या किस नोट के बारे में क्या जानना चाहते हैं। चलिए आज की बातें भी बहुत हो गई, वीडियो मैंने सोचा था बहुत छोटा बनाऊंगा लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, पर ठीक है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि बहुत ही जल्द हम एक नया गिव अवे भी प्लान कर रहे हैं, जो कि हमारे 500 के जैसे ही सब्सक्राइबर पूरे होंगे हम एक गिव अवे करेंगे बहुत प्यारा सा सुंदर सा। तो हमारे नए वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो ये बेल आइकन आ रहा है इसको भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए और हमारे लिए, और हाँ मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नजर में हैं। जय हिंद, जय भारत।